एक कॉल होल्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत पावरफुल हूँ। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं थोड़ी सी बेहतर हूँ माशाल्लाह। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ, माहिरा मेरा नाम है। माहिरा जी? जी। आंटी उमर है ना, वो उनके साथ में आई थी वहाँ पे। उमर के साथ पिंडी में। जी हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ठीक है। कर्नल अलमास के साथ आई थी? जी हाँ बिल्कुल जी, महवेश के साथ आई। सही सही। और कितने बेहतरी है माशाल्लाह जी रब साहब। ये है कि मैं हीलिंग करती हूँ अपने आप को भी और अपने बच्चों को, बहनों को भी, तो माशाल्लाह वो उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं उनको बेहतरी होती है। और मेरे साथ ये है कि मैं रात को पिल्स लेती थी सोने के लिए, तो अब माशाल्लाह से मैं जब वो हील करती हूँ अपने आप को और फिर मैं सो जाती हूँ बगैर मेडिसिन के ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो सही होता है कि सुबह को भी मैं माशाल्लाह से मतलब मेरी मैं फ्रेश होती हूँ और एनर्जेटिक होती हूँ, लेथार्जी नहीं होती मुझे कोई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, सबसे बड़ी बात है फ्रेशनेस तरोताजगी ना। जी बिल्कुल। और मैं वाकई खुश भी होती हूँ, वरना मतलब पहले मैं छोटी मोटी बातों से बहुत ज्यादा घबरा जाती थी, अब मैं उस तरह नहीं घबरा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेहतर हूँ बहुत। आपका तो ताल्लुक ऐसे एनर्जेटिक फैमिली से है, कर्नल अलमास है, महवेश है, माशाल्लाह जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे है, बहुत पॉजिटिव लोग है, बहुत नाइस लोग है, बहुत अच्छे जी माशाल्लाह से, बहुत उनके साथ रह के तो मैं बहुत बेहतर हुई हूँ, वरना मैं तो बहुत बीमार आई थी यहाँ पे। हाँ हाँ सही सही बिल्कुल, वैसा एक दूसरे से इंसान को पॉजिटिव एनर्जी मिलते रहते हैं ना। जी बिल्कुल। तो जब हालात बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो बीमारियाँ खुद ही भाग जाते हैं बॉडी से। जी डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, दुनिया से भाग जाता है नेगेटिविटी इंसान के जब ख्यालात, सबसे बड़ी बात है संदा इंसान के ख्यालात को पॉजिटिव करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव एनर्जी जब रहते हैं आपके दुनिया में, आपके एनर्जी फील्ड में, आपके दिल में जब रहते हैं ये पॉजिटिव एनर्जी, तो बीमारियां भाग जाते हैं। आपसे कुछ सवाल और भी पूछते थे मैंने, वो मैं अभी पूछ सकती हूँ कि नहीं, बाद में किसी वक्त आपसे बात करूँ? कॉल बहुत ज्यादा होल्ड पे हैं, सवालात इंशाल्लाह बिल्कुल, आप अगर कोई ऐसे जनरल सवाल है तो आप कर सकती है जनरल सवाल। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जैसे मैं ये चाह रही थी जानना कि जैसे कि अगर किसी इंसान के अंदर जैसे जिन आ जाते हैं या और वो आते हैं, मतलब वो झूठ तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं बिल्कुल सच है, ऐसे तो... या कोई जादू के जरिए होता है, तो इससे जब ये एनर्जी हमारे अंदर आती है तो वो चीजें हमारे अंदर से निकल जाती है, या वो भी पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं ले लेती हमसे? नहीं नहीं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं ना जी, और या तो रिमूव हो जाता है हमारे, हम इंसान है अशरफुल मखलूकात है, उनका हक नहीं है हमें तंग करते हुए, उनका कोई हक नहीं है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात है ना जी, तो उसकी कोई हक नहीं है कि हमें तंग करे, लेकिन वो तंग करते रहते हैं ना जी, तो अब आपको तंग नहीं कर सकेंगे बिल्कुल भी, इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं जी। तो यही बात मैंने आपसे पूछनी थी कि ये, क्योंकि हमें ये चीजें चाहिए हैं कि हमें इसके बारे में भी पता चल जाए। नहीं नहीं बिल्कुल, आपको तंग नहीं कर सकेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आपको कोई तंगी नहीं होगी इस चीजों से, क्योंकि एक बार जब आप समझा कर लेते हैं, सभी ये महसूस किए हैं कि एक पॉजिटिव पावर आ जाते हैं, ताकत आ जाते हैं जी, और उसकी वजह से हम बहुत ताकतवर पावरफुल रहते हैं जी, तो जो है इंशाल्लाह बिल्कुल आप बेफिक्र रहे, मैं इस चीज से ये नेगेटिविटी आप पर कोई असर नहीं कर सकेंगे, भाग जाते हैं बिल्कुल, खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहे जी बिल्कुल। हाँ हाँ, आप कॉन्फिडेंस से अप्लाई करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप देख लेना कि आपको कैसे बेहतरीन और बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। जी, जी, और, सही है। और फिर आप लोग इतने अच्छे थे, इतने पॉजिटिव थे पहले से, तो वो पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ गई जी बिल्कुल, लेकिन मुझे माशाल्लाह से मैं करती रही, क्योंकि उसने कहा था मुझे महवेश ने कि आप करते रहें, उससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये बढ़ना शुरू हो जाएगी ना पावर,
तो माशाल्लाह से पहले मेरे जो आपने मुझे फर्स्ट डे आपने हीलिंग आपने जो मैं मतलब आप हमें पढ़ा रहे थे आप उसको ऐसे अपना दे रहे थे तो उसमें आप हमें जो प्रैक्टिकल करवा रहे थे तो मेरे हाथ बिल्कुल नहीं हिले थे लेकिन अब मेरे हाथ इतनी बुरी तरह हिलते हैं कि मैं कहती हूँ कि डॉक्टर साहब देखे तो हैरान हो जाएंगे इसको हाथ हिल रहा है वाइब्रेशन होती है ज्यादा बहुत वाइब्रेट करते हैं मतलब पहले नहीं करते थे ना ये तो बहुत अच्छा है जी बहुत पॉजिटिव है मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरे हिल अब वाइब्रेट करने लगे क्योंकि मुझे इससे परेशानी हो रही थी कि क्यों नहीं कर रहे बहुत अच्छे अल्लाह का शुक्र है तो सब यही होता था मुझे भी इतने डाउट होते हैं कि अब तो मैंने काफी छोड़ा है अपने आप को निकाला है उसमें से मुझे बहुत लोगों से डर लगता था खौफ बहुत ज्यादा था बहुत ज्यादा था तो मैं जब आंटी के घर आई हूँ मैं आंटी के घर में मैं शिफ्ट हो गई हूँ ना मिसेज अरमास के अच्छा मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई उनके घर में हूँ तो स्पेशली जो मवेशी जब अपना कमरा एनर्जाइज किया हुआ है ना उसमें जाने के बाद मेरी एकदम से मुझे लगता है कि मेरी नेगेटिविटी जो है वो मेरी बॉडी से जैसे स्टीम उड़ती है ना इस तरह से निकल रही है निकल रहे रिमूव हो गए तो मुझे फील होता है ये इस तरह से महवेश बहुत प्यारे इंसान है बहुत अच्छे हैं बहुत पॉजिटिव इंतहाई पॉजिटिव तो ऐसे होता है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कि आप तो बस एनर्जी के वो गोले में चले गए ना अच्छा जी मेरा सलाम कहना सबको जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत सी खुशियां दे कर्नल अलमास आपके साथ ही है अभी बात करें अभी नहीं है अभी वो महवेश के इन लॉज के पास गई है अच्छा अच्छा ठीक है इंशाल्लाह फिर बात करेंगे उन्हें कह दे हमें कॉल करते रहे और अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करते रहे इंशाल्लाह संडे को हम लाहौर में भी मिलेंगे उन लोगों ने लाहौर कह रही थी कि वो जा रही है ना बिल्कुल वहीं पे आ रही है और बहुत खिदमतें भी कर रही है बहुत अच्छे हैं आपको मैं भी आपको बुलाऊंगी यहाँ पे बिल्कुल जरूर आइएगा डॉक्टर क्योंकि हम लोगों को बहुत जरूरत है पॉजिटिव लोगों की क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की तो सोच तकरीबन नेगेटिव होती चली जा रही है ना तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर हम आपकी क्लासेस ज्वाइन करेंगे या कोर्सेज कर लेंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर इंशाल्लाह दोबारा हम आ रहे जल्दी आ रहे हम इंडिया आ रहे जल्दी जी मुझे आंटी ने बताया था कि आप आ रहे हैं तो मैं बल्कि मैं वो मुझे कह रही थी कि मैं आपके पास मुझे भी लेके जाएंगी ना वैसे मतलब मिलने के लिए जी बिल्कुल मतलब वो तो मैंने ले लिए आपसे कोर्सेज वो जो क्लासेस लेनी है उसकी लेकिन उसके अलावा भी जैसे छोटी मोटी चीजें होती है जो कि हम डीपली कुछ जानना चाहते हैं या कुछ तो उसमें या फिर जो जो माशाल्लाह से जिनके पास इल्म होता है नॉलेज होती है तो वो खुद ऐसा लेक्चर दे देते हैं कि इंसान जो है वो अपने आप को तसल्ली में महसूस करता है कि वो सेटिस्फाइड हो जाता है अपने हालात से तो उसके लिए भी हमें बहुत जरूरत होती है कि हमें कोई अच्छे लोग मिले जो हमें इस तरह से एनर्जाइज कर दें कि हम लोग अपने हालात में खुश हो जाए हम लोग हमेशा दुख करते रहते हैं कि ये चीज यूं नहीं हुई वो काम ऐसे नहीं हुआ तो उसकी वजह से फिर हम अपनी जिंदगी को भी अच्छा नहीं गुजार पाते बिल्कुल बिल्कुल सही बात है नहीं बहुत अच्छा इंशाल्लाह बहुत खिदमत है और आप लोग जरूर मैं आऊंगा और जल्दी क्योंकि अभी फिर क्लास बन भी गए है ना आपको पता है जी हाँ, दूसरा क्लास बन गए तो इंशाल्लाह मैं बस जल्दी आ रहा हूँ जल्द इंशाल्लाह और क्योंकि इतने एनर्जेटिक लोग है जिस तरह कर्नल अलमास भी और कर्नल परवेज साहब बेचारा कितना मेहनत की है काफी पुराना स्टूडेंट है हमारे कोई 10-11 अच्छा, साल पुराना स्टूडेंट है कितना वो बेचारा आप आइएगा फिर हमारी मुलाकात करेंगे आपसे मिलेंगे आपसे फैज उठाएंगे बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे लोग जब होंगे कहीं पे भी तो बस देखिए इंसान सबब बनते है ना जी बिल्कुल एक दूसरे के लिए सोर्स बनते है अल्लाह ने बनाई है सबब होती है तो स्टूडेंट बहुत पॉजिटिव है बहुत अच्छे हैं सभी अल्लाह ताला मैं चाह रही थी अभी किसी टाइम में ना जब आपका कुछ ऐसा मेरे बेटे का कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हो तो मैं अपने बेटे को करवाऊंगी बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर जरूर वो डॉक्टर माशाल्लाह से आर्मी में है और वो भी जा रहे कोर्स पे ना अच्छा, क्वेटा
तो अभी वेदर होगा नहीं तो मैं आपसे जरूर मिलवाती हूँ उसको। जरूर जरूर इंशाल्लाह, तभी जरूर मिलवाऊंगी मैं। अब मैंने पूरे फैमिली इंशाल्लाह सबको सिखाएंगे। जी बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपने कॉल की। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। खुदा। स्टूडेंट्स जब इस चीज़ों को दूसरों तक थोड़ा कोशिश करें, लोगों को साथ लें, क्योंकि उसमें एक तो सवाब मिलेंगे आपको, सवाब के साथ साथ आपको जो है आपके पावर्स में इजाफा हो जाते। इंसानी सलाहते ऐसे है कि ये किसी पॉजिटिव ताकत से, किसी पॉजिटिव अपने ख्यालात को जब पॉजिटिव बनाते हैं आप, तो वो जो एनर्जी ने दिया है खुल जाता है, कायनात के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप बहुत इसमें मोहतात रहें कि अदर्स के इलाज करें, और उसी से आपके भी इलाज जो कुछ बीमारियां रह जाते हैं वो निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स और ज़्यादा पॉजिटिव रहे और ज़्यादा ताकतवर रहें प्लीज़। एक कॉल होल्ड पे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, नूरुल शफीक। चलो शुक्र है, लाहौर वाले तो सो रहे थे, लाहौर से तो कॉल आ गए। माशाल्लाह नूरुल शफीक साहब, आप हमारे स्टूडेंट हैं? जी जी जी। नूरुल शफीक साहब, क्या क्या आज के प्रोग्राम में क्या शेयर करना चाहते हैं? देखिए मैं टीचर हूँ प्रोफेशनली। माशाल्लाह। बहुत मेरी उम्र भी 53 साल है। और मैं तकरीबन पिछले 38 साल से अस्थमा की बीमारी का शिकार था। 38 साल से। मैंने आपसे जब ये क्लासेस ली है जी, तो मेरा अस्थमा जो है वो खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है, क्या बात है जी। नूरुल शफीक साहब, आपका नाम भी इतना प्यारा है, इतना अच्छा नाम है नूरुल शफीक। इसके अलावा मैंने एक मेरा भांजा था जी जी, उसे भी जो है ना अस्थमा था। तो मैंने उसको भी हीलिंग दी है और वो भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत नाइस, बहुत अच्छा। नूरुल शफीक साहब आप क्या करते हैं? आपने? मैं टीचर हूँ जी। टीचर है आप किस स्कूल में? या जी मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल है यहाँ बेदिया रोड पे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो फिर इस दफा आपने कितने स्टूडेंट को तैयार करके ला रहे? मैं इस दफा 2 स्टूडेंट मेरे साथ आ रहे। अच्छा जी, रियल साइंसेज के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप तो टीचर हैं, इंशाल्लाह आप दूसरों तक के, अगर ये चीज इतने फायदेमंद है आपको लगते हैं? जी जी, ये बहुत फायदेमंद है जी, इससे तो आदमी मेडिसिन फ्री जिंदगी गुजारता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इतना खूबसूरत जिंदगी हो जाती है जी जी, जिंदगी इतनी मेडिसिन फ्री बिल्कुल आसान हो जाती है, और एनर्जेटिक रहता है, पावरफुल रहते हैं इंसान, बहुत पुरसकून रहते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है, या अल्लाह ताला के बहुत बड़े करम है, बहुत बड़े नवाजिश है। जी जी, बहुत अच्छा आपने कॉल किए। तो इंशाल्लाह हम संडे को मिलेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह संडे को 3 बजे, आपको पता है हम आ रहे? जी जी जी, मुझे पता है आप शेड्यूल का। बिल्कुल 3 बजे इंशाल्लाह मिलेंगे। इंशाल्लाह ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।